मैं सभी कथाओं में यही कहता हूं कि भैया सब कुछ करो न करो, अपनी गृहस्थी को व्यवस्थित करो। जिसकी गृहस्थी व्यवस्थित नहीं है उसका जीवन व्यवस्थित नहीं रहता, ये तो कलिकाल है। जो वैद रोगी को भावे वह वैद फरमावे। श्रोता यजमान कैसा भी जीना चाहता है, हम चाहते हैं हम वो प्रसन्न रहे। अपने साथ ऐसा नहीं, कदापि नहीं है। जीना होगा तो धर्म में जीना होगा, अधर्म में जीना है आपके रास्ते अलग हैं, हमारी व्यासपीठ के रास्ते अलग हैं। गो कल बरते हो आज बर जाओ, लेकिन मेरे श्री राघव की कथा सुननी है, श्री रघुनाथ जी में लगना है, तो माँ जैसी अर्धांगिनी बनना होगा, माँ जैसी माँ बनना होगा। यूं नहीं, यूं नहीं। आप सौभाग्य दर्शन करिए, कदाचित मैं कथा करके चला गया होता तो आज आस्था पर कथा जा रही है, और माँ के प्रति जो हम भावांजलि श्रद्धांजलि, आदरणीय बाबू जी ने बोला, मेरे बच्चों ने बोला, भैया ने बोला, पूरी दुनिया कितने देशों में श्रद्धांजलि जा रही, कितना बड़ा सौभाग्य है। जो सुन रहा होगा, अभी राजेश बोला मेरा बच्चा, तो जो सुन रहा होगा, जब मेरे अश्रु आ गए तो सबके आए होंगे। एक प्रसंग आपको सुनाऊं, पूज्यपाद गोस्वामी जी दोहावली रामायण में लिखते हैं, मुए मरे मरी हैं सकल घड़ी प्रहर के बीच, लही न काहू आज लो गीध राज सो मीच। मुए मर गए, मरेंगे घड़ी पहर के मध्य में सब मरेंगे, परंतु गिद्धराज जैसी मृत्यु किसी को प्राप्त नहीं। कैसे? कुछ लोग मरते हैं घर वाले रोते हैं, कुछ लोग मरते हैं गांव वाले रोते हैं, कुछ लोग मरते हैं तहसील ब्लॉक जिला रोता है, कुछ लोग मरते हैं तो डिवीजन रोता है मंडल, कुछ लोग मरते हैं प्रदेश रोता है, कुछ लोग जाते हैं तो देश रोता है। जटायु जी जब जग जा रहे हैं, मरे गए, तो जिसके लिए जगत रोता है वो जगदीश रो रहा है। हमारी आप और हम क्या भाग्य है माँ का कि हम आप यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, और हमारे देश में जितने भी श्रोता हैं सब अपनी नम आँखों से भाव श्रद्धांजलि माँ को अर्पित कर, जहाँ तक की आवाज़ जा रही है, जहाँ तक हमारा श्रोता, क्यों हमारा जो कथा का श्रोता है वो हमारी कथा का अनुरागी है। जब मैं दुखी होता हूँ तो हमारा श्रोता दुखी होता है, मैं प्रसन्न होता हूँ तो वो प्रसन्न होता है। मुझे लोग कहते हैं महाराज आज भाव में नहीं है, कल भी किसी का टेलीफोन, महाराज आज भाव में नहीं थे, मैंने कहा कल चर्चा करूँगा। भाव ऐसे नहीं बनता ना, जब तक मन स्वीकार नहीं करता है तब तक भाव नहीं बनता है, कहने से नहीं बनता भाई, बनाकर नहीं बनता है। जटायु जी की स्थिति देखिए, सौभाग्य चक्रवर्ती जी महाराज ब्रह्म के पिता हैं, मेरे सरकार के पिता होने के बाद भी चक्रवर्ती जी राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर बिरह राव गयो सुरधाम। चक्रवर्ती जी महाराज का कितना तप है, तब भी राम राम स्मरण करके नव बार और महाप्रयाण करना पड़ा, देवलोक गए, मेरे जटायु जी महाराज को भगवान ने गोद में उठा लिया। हे तात आपकी यह गति किसने की? जटायु जी महाराज ने कहा प्रभु रावण ने की है। बहु रानी को दक्षिण की ओर ले गया है, कुरली पक्षी की तरह मेरी बहू जी विलाप कर रही थी, ठाकुर आप जल्दी जाइए, शीघ्र जाइए, मैं तो आपके दर्शनार्थ शरीर रखा था, अब मुझे आप विदा करिए, मैं चलना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि प्रभु मिल गए। प्रभु के श्री चरणों में जटायु जी महाराज ने निवेदन किया, प्रभु अब मैं चलना चाहता हूं। गीतावली रामायण में
पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते हैं, भगवान ने कहा मोरे लगी तात कचुक दिन जीजय, मेरे लिए कुछ दिन रहिए, मुझे पुत्र का सुख प्रदान करिए, आप मेरे पिता के मित्र हैं, मेरे लिए पिता जैसे हैं, आप यहाँ जाइए तीर्थ करिए, ये करिए, सब कहा। जटायु जी बोले नहीं महाराज नहीं। और तब जटायु जी मुस्कुराए, आप हमको रखना चाहते हैं? नहीं, मैं तो आपकी गोद में जाना चाहता हूं। राम कहा तन राखहु ताता, मुख मुसुकाई कहीं ते बा। प्रभु कहते हैं कि अपने तन को रखिए तात। जटायु जी महाराज मुस्कुराए, कहे ठाकुर क्या करूंगा रखकर, जिसका मुख नाम में, जिसका मुख नाम उच्चारण कर ले आपका अधम भी मुक्त हो जाता है। ठाकुर वाप सो ममलोचन गोचर आगे राखव देह नाथ के ही खागे। प्रभु नाम मुख में आए, जो बाली ने कहा वो मुक्त हो जाता है। और आप तो मुझे अपने गोद में संभारे हैं सरकार, अभी शरीर को रखकर क्या करूंगा। जटायु जी महाराज का यह अपने प्रतिभाव और इतनी श्रद्धा सुनकर परमात्मा के नेत्र सजल हो गए। हो जल भरी नयन कहिर जल भरी तात करम निज ते गति पाए, तात करम निज ते गति पाए। पर ही तब सजल हो गए। क्यों? ऐसी उक्ति और गति दोनों देखकर अधम भी मुक्त हो जाए। प्रभु आप मेरे से कहते हैं रखिए। देखिए इस शरीर का जाना धर्म है,
सत्य है जाना है। कैसे जाना? लही न काहू आज लो गीध राज सो नीच। हम सभी इस भाव से, इस व्यवहार से, मेरा ये हुआ, मेरी दादी मेरे लिए करती थी, मेरा दादी मेरे को ये कहती थी, बहू में सोचेंगे मेरी अम्मा जी मुझे ऐसी। हम अपने संबंधों और व्यवहार का स्मरण करके अपने स्थान पर दुखी रहते हैं किसी के प्रति। परंतु मैं जिस भी श्रद्धांजलि में पहुंचता हूं, एक बात कहता हूं, हमारी श्रद्धांजलि सबसे सच्ची यह है कि हमारी माँ जी, हमारी दादी जी, हमारे बाबू जी, हमारे काका जी, हमारे भैया जी जो गए, उनको मेरे से जो अपेक्षा थी हम उसका अवश्य पालन करें। दादी पढ़ने को बोल गई हैं तो हम पढ़ाई ठीक से करें, दादी उठने को बोल गई हैं तो हम समय से उठें, दादी ने पूजा कहा है हम पूजा व्यवस्थित करें। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यह है कि जो हमारे पास अब नहीं है हम उसकी हर भाव का रक्षण करें, ये श्रद्धांजलि। माल्यार्पण श्रद्धांजलि नहीं, पुष्पार्पण श्रद्धांजलि नहीं। बाबूजी के साथ अम्मा जी जिस व्यवहार से रहती थी, जिस प्रकार का जीवन, मैं स्मरण करता हूँ हमारे पूज्य बाबूजी गुना वाले श्रीमान पंडित काशीनाथ जी भार्गव, जब वो नहीं रहे तो दिन भर भाई जी लाख कहते रहे, दिन भर मैं जल के अलावा कुछ लिए नहीं, अंदर जाए नहीं, इतना लगाव था मेरा, इतना अटैचमेंट। फिर कथा से सीधे मैं पहुंचा, उस स्थल का दर्शन किए, फिर हम वापस कानपुर आए। भाव क्या है? जो उनका संकल्प, मैंने बच्चों से कहा दोनों से कि जो बाबूजी का संकल्प है और जैसा तुमसे पूज्य बाबूजी की अपेक्षा थी, यदि उसका पालन कर पाते हो तो तुम्हारी सच्ची श्रद्धांजलि है। हम किसी के प्रति श्रद्धांजलि भावांजलि अर्पण करें, हमारा पहला व्यवहार, हमारा श्रेष्ठ हमसे क्या चाहता है।